नमस्कार, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर की, जहां आप देख सकते हैं कि सर्विस लेन जो है उसकी हालत क्या है, सर्विस लेन किस तरह से निर्माण किया गया है। बीच सड़क पर जो है सर्विस लेन के बीचों बीच देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा है, और रोजाना इस गड्ढे पर जो है दुर्घटनाएं हो रही है लोगों की। लोग दूर दराज से कांटा टोली होते हुए अपने दूसरे शहर की ओर जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि इस सर्विस लेन से होकर गुजरना अब लोगों के लिए जान पर जोखिम भरा है, क्योंकि रोजाना इस गड्ढे पर लोग गिर रहे हैं। और यहीं से जो है यह सर्विस लेन का निर्माण किया गया है, फ्लाईओवर का आप दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यह कांटा टोली चौक की तस्वीर है, और इसके किनारे से आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे जो सर्विस लेन जिस तरह से बनाया गया है उसके किनारे काफ़ी गड्ढे हैं, और वहां से भी लगातार जो है जो लोग हैं वह दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। खास करके दो पहिया वाहन वाले जो लोग हैं वह लोगों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। यह सर्विस लेन आप देख सकते हैं आपके सामने, यह दृश्य है, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से झारखंड में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। झारखंड में इसी सड़क से होकर जो है मंत्री, विधायक, और यहाँ तक कि जो आम आदमी है यहाँ से गुजरते हैं, कई वीवीआईपी गुजरते हैं, कई मरीज गुजरते हैं, लेकिन आलम यह है कि सर्विस लेन का जो निर्माण कराया गया हुआ काफ़ी ख़राब है, और रोजाना इस और से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पूरे इलाके में इतनी अधिक जो है धूल है कि उससे होकर गुजर पाना काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि पूरे इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरे आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में पूरा धूल जो है जमा हुआ है। पर्यावरणविदों से हमने बात की है, उन्होंने अपने अनुभव साझा किया है, और अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह जो लोग आज कांटा टोली की ओर से गुजर कर दूसरी ओर जा रहे हैं वह लगभग 10 से 12 सिगरेट पीने के बराबर जो है यहां से धुआं लेकर जाते हैं। जो लोग कार में हैं वह अपने जो है कार का जो है शीशा जो है वह बंद कर देते हैं। आलम यह है कि जैसे धनबाद जमशेदपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से जो लोग गुजरते हैं उन्हें जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस तरह का स्थिति जो है फिलहाल राजधानी रांची के कांटा टोली फ्लाईओवर के आसपास बना पड़ा है। आसपास के जो दुकानदार हैं, जो ऑफिस है, जो लोग हैं, वह लोग भी इस कंस्ट्रक्शन से परेशान हैं। जबकि अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, फ्लाईओवर का काम होता है, उसमें इस तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती जिस तरह से कांटा टोली फ्लाईओवर में के निर्माण में लापरवाही बरती गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे हमारे साथ बने रहें, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं यह जो है सर्विस लेन का इलाका है, और किस तरह से लोग जो हैं यहाँ से आकर गुजर रहे हैं। यह कांटा टोली से कोकर जाने वाली सड़क है जहाँ सर्विस लेन का निर्माण कराया गया है, लेकिन सर्विस लेन और जो सड़क है वह लगभग काफ़ी जो है अंतर है दोनों में, और सर्विस लेन के जो किनारे जो इलाका बचा हुआ जो ज़मीन है उस पर जो है पूरी तरह से जो है खाली पड़ी हुई है, और कई पत्थर जो है इस इलाके में जमे हुए हैं। लगातार जो है इस इलाके से जो लोग गुजरते हैं उन्हें जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह कांटा टोली फ्लाईओवर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं।